नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूँ आपके साथ अजय ठाकुर। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। दरअसल जो क्रिकेट प्रेमी हैं, खास तौर पे भारतीय क्रिकेट फैंस, हमेशा ही चाहते हैं कि भारत का जो मुकाबला हो, क्रिकेट मैच हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, क्योंकि भारत वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें बहुत ज़्यादा हमें एक कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, एक राइवलरी देखने को मिलती है, और मैदान पर मैच कम युद्ध हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला अक्टूबर के महीने में होने वाला था, वो शायद अब नहीं होगा। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दरअसल टीम इंडिया और पाकिस्तान यानी BCCI और PCB आमने सामने हैं। एशिया कप 2023 पाकिस्तान की मेज़बानी में होना है, और भारत ने साफ कर दिया है कि भारतीय जो टीम है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे और पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलेंगे। इस पर जो ACC के चेयरमैन हैं जय शाह, जो कि BCCI में सेक्रेटरी का पद रखते हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, और अगर एशिया कप में भारत को खिलाना है तो फिर कोई न्यूट्रल वेन्यू पर ही इसका आयोजन होना चाहिए। इस पर PCB के जो चीफ है नजम सेठी, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप 2023 की मेज़बानी नहीं होती है, अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट का आयोजन नहीं होता है, तो फिर हम भी पाकिस्तानी टीम को भारत नहीं भेजेंगे। ODI वर्ल्ड कप 2023 इसी साल के अंत यानी अक्टूबर महीने में भारत की मेज़बानी में भारत में ही होना है, और एशिया कप 2023 के वेन्यूज को लेकर जो घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, अब इसका असर शायद ODI वर्ल्ड कप पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि नजम सेठी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप नहीं होता है तो फिर हम भी हमारी टीम को भारत नहीं भेजेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो इससे भारत को भी नुकसान होगा, भारतीय फैंस को नुकसान होगा, और इसके बहुत सारे रिप्रकशंस हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोमांच ODI वर्ल्ड कप का थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक टीम पाकिस्तान के नहीं खेलने से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बहुत सारे लोग कह सकते हैं, लेकिन वो टीम पाकिस्तान है, और भारत और पाकिस्तान जब जब मैदान पर आमने सामने होती है तब कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। बहुत सारे पैसे बोर्ड्स कमाती है, और एड रेवेन्यू हो, चाहे स्पॉन्सरशिप हो, चाहे तमाम तरीके से जो पैसे हैं वो बनते हैं। तो अगर भारत और पाकिस्तान अगर टीम यहाँ नहीं आती है भारत, तो फिर ये एक नुकसान हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान टीम को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी इस समय PCB के बॉस कह रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे भारत ODI वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन अगर इस पर वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सीरियस तौर पर अगर कुछ करते हैं तो ये PCB वर्सेस ICC का मामला हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ही ODI वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कराएगी। ODI वर्ल्ड कप ICC आयोजित कराती है, और अगर पाकिस्तानी टीम भारत नहीं आती है तो फिर ICC पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी एक्शन ले सकती है। हो सकता है कि बहुत सीवियर एक्शन का भी सामना करना पड़े पाकिस्तान टीम को। बहरहाल जो खबर है वो यही है कि भारत अभी भी अड़ा है एशिया कप 2023 के वेन्यूज को लेकर। इसकी एक मीटिंग हुई बहरीन में इस मसले के हल के लिए, लेकिन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, लेकिन जो वेन्यूज है, इस कहां पर आयोजित की जाएंगे, इस पर जो फैसला है वो अगले महीने लिया जा सकता है, मार्च महीने में लिया जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान के पास एशिया कप 2023 की मेज़बानी है, लेकिन भारत अड़ा हुआ है कि हम हमारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसे ही अपडेटेड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ नेशन।